brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. हिंद महासागर में चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 40,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण की मंजूरी दी थी। इसके लिए भारत सरकार ने टेंडर जारी किया था। भारत के इस टेंडर को जीतने और भारत में पनडुब्बियां बनाने के लिए कई देश आगे आए थे। जर्मनी की थाइसन ग्रुप एजी ने मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ मिलकर बोली लगाई थी। स्पेन भी इस रेस में शामिल था, मगर अब भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी 6 नई पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना के साथ बातचीत कर रही, जिसमें जर्मन फर्म थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम के एक रूप में भारतीय मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड के साथ साझेदारी कर रही। फिलिप एकरमैन ने कहा है, मैं कह सकता हूं कि जर्मनी भारत में उच्च तकनीक वाली पनडुब्बियां बनाने के लिए एक भारतीय डॉकयार्ड के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है और जर्मन सरकार चल रही बातचीत का पूरे दिल से समर्थन कर रही है। प्रक्रिया अभी भी जारी है और निर्णय भारत को लेना है। ये कहा जा सकता है कि ये परियोजना पहले से ही हमारी रक्षा साझेदारी को गति दे रही है। ये पूछे जाने पर कि भारत अपने रणनीतिक साझेदार के रूप में जर्मनी पर भरोसा क्यों कर सकता है, इसके जवाब में फिलिप एकरमैन ने कहा, क्योंकि जर्मनी का भारत और इंडो पैसिफिक के प्रति बदलाव बहुत ठोस कार्यों में प्रकट हो रहा है। सैन्य दौरे, संयुक्त अभ्यास, पोटेंशियल को प्रोडक्शन, एडवांस मिलिट्री हार्डवेयर और भी बहुत कुछ, साइबर के क्षेत्र में भी सहयोग, इन तमाम बातों पर एकरमैन ने जोर दिया है। अब देखा जाए तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया एक भारतीय नौसेना परियोजना है, जहां जर्मनी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन तकनीक के साथ 6 बड़ी पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करना चाहता है। अब देखा जाए तो भारत के लिए पनडुब्बी की खरीद बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय सेना में पहले से मौजूद पनडुब्बियां पुरानी हो चुकी हैं। ऐसे में भारत को और पनडुब्बियों की जरूरत है। वहीं जर्मनी के अलावा दूसरी बोली स्पेन की तरफ से आई है। स्पेन की नवांतिया ने भारत की बहुराष्ट्रीय शिपयार्ड कंपनी लार्सन एंड टर्बो के साथ अपना आवेदन दिया है। अब अगर देखा जाए तो चीन के साथ सीमा विवाद और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की दखल को नियंत्रित करने के लिए भारत रूस से आधुनिक हथियार खरीदता है, लेकिन यूक्रेन युद्ध और अधिक प्रतिबंध के कारण भारत रूस से खरीद रहे हथियारों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। इस वजह से रूस से हथियार की डिलीवरी में थोड़ी देरी भी आ रही। फिलहाल भारत के पास 16 पनडुब्बियां हैं। इस 16 में से 6 को छोड़कर बाकी पनडुब्बियां 30 साल से अधिक पुरानी हो चुकी हैं और अगले कुछ सालों में इनके भी डीकमीशन होने की संभावना है। हिंद महासागर में प्रभावी रूप से गश्त करने और चीनी हलचल पर नजर बनाए रखने के लिए भारतीय नौसेना को कम से कम 24 पारंपरिक पनडुब्बियों की जरूरत है। ऐसे में देखते हैं कि भारत आने वाले वक्त में क्या कदम उठाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।